स्वागत है आप सभी जेटेक बॉस के इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं वीवो V15 और टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2 जिससे ये वीडियो बन रही है उन दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन दिखाने वाला हूं। आप सभी लोगों को पता होगा कि वीवो V15 और टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2 का कोई भी कंपेयर नहीं है, क्योंकि वीवो V15 जो है 24,000 का फोन है और टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2 जो है ये 12,500 का फोन है। तो सिर्फ हाफ हाफ का डिफरेंस है, फिर भी मैं कैमरा कंपैरिजन इन दोनों फोन का दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैं अभी तक जितनी भी वीडियो बनाता था वो टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2 से वीडियो बन रही थी, लेकिन आज के बाद जितनी भी वीडियो बनेगी वो वीवो V15 से बनेगी, क्योंकि मैंने वीवो V15 ले लिया है और मैं हमेशा खुद के लिए लिया है और इसको यूज करने वाला हूँ, तो आगे से इस पर वीडियो बनेगी। इसी के लिए मैं दोनों फोन का कैमरा कंपैरिजन देने वाला हूँ कि इस फोन का कैमरा अच्छा है या इस फोन का कैमरा अच्छा है। मैं इसकी दोनों हाईलाइट बता देता हूँ, पहले मैं वीवो V15 का बताया था, उसका टेक्नो का बता दूंगा। इस फोन में वीवो V15 में इसकी जो हाईलाइट है, कैमरा के हाईलाइट, ये पीछे से 3 कैमरा दिया गया है, 24+8+5, सामने जो है 32 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है पॉपअप सेल्फी के साथ, पॉपअप कैमरा। इसमें आपको पता होगा, अगर इसकी अनबॉक्सिंग नहीं देखे तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां जाकर आप देख लीजिए, पॉपअप कैमरा दिया गया है। और इसमें 4000mAh बैटरी है और मीडियाटेक P70 का प्रोसेसर है, जो कि अभी तक मीडियाटेक का सबसे बेस्ट प्रोसेसर है। उसके बाद टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2 में भी कैमरा जो है पीछे 2 कैमरा दिया गया है बैक कैमरे में 16+5, सामने दिया गया है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा जिससे ये वीडियो बन रही है। इसकी जो बैटरी है ये 3750mAh की बैटरी है और इसमें मीडियाटेक का P22 प्रोसेसर दिया गया है, जो कि पुराना प्रोसेसर है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इस फोन में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और बॉक्स में 18W का फास्ट चार्जिंग वीवो का खुद का फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो 1 घंटे में फुल चार्ज कर देता है 4000mAh बैटरी को। और इस फोन में बताया नहीं गया कि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता, लेकिन टेक्नो का जो चार्जर है वो एक फास्ट चार्जर की तरह ही टेक्नो के फोन को चार्ज करता है, 1 घंटे 20 मिनट में 3750mAh बैटरी को फुल कर देता है, तो मेरे हिसाब से इसका भी जो है चार्जर अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पहली बार आए जेटेक बॉस पे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए इसी और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दिए इसी तरीके की कंपेयर वीडियो देखने के लिए आने वाली नई वीडियो के लिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए कि आपके जितने भी फ्रेंड है जो इन दोनों फोन का कंपेयर देखना चाहते हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कीजिएगा। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बैक कैमरा, दोनों फोन के बैक कैमरा और रियर कैमरा और आउटडोर इनडोर वीडियो क्वालिटी सबके बारे में पूरा डिटेल्स आपको दिखाता हूँ, और आप खुद समझ के बताइए कि आपको इन दोनों फोन में से किसका कैमरा अच्छा लगे। 100% वीवो जीतने वाला है, क्योंकि मैंने खुद देख लिया है 2 दिन यूज करके 1 दिन यूज करके, तो वीवो जीतने वाला है। फिर भी आप खुद से देख लीजिए कहाँ कहाँ किसकी कमी क्या है, तो और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ मुझे इस सेल्फी में ये फोन अच्छा लगा और बैक में ये फोन अच्छा लगा, वीडियो क्वालिटी में ये अच्छा लगा और ये अच्छा लगा, जो भी लगेगा आपने अच्छा कॉमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको दोनों फोन का कैमरा दिखा रहा हूँ, सेल्फी कैमरा और बैक कैमरा दोनों का सैंपल दिखाऊंगा, फोटो क्लिक किया हुआ, और आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों फ़ोन में से किसका कैमरा अच्छा है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ है वीवो V15 और दूसरी तरफ है टेक्नो कॉमन आई क्लिक 2, तो दोनों का कैमरा देख सकते हैं डिसेंट है या किस तरह का है, और मैं आपको वीडियो क्वालिटी भी बताऊँगा दोनों का, दिखाऊँगा कि किस तरह का वीडियो क्वालिटी है दोनों में, तो आप खुद डिसाइड करके बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि आपको ये दोनों में से कौन सा अच्छा लगा और कौन सा बुरा लगा, ये दोनों को आप डिसाइड करके बताइए नीचे कमेंट में। अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, और आपके जितने भी फ्रेंड हैं उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको वीडियो की क्वालिटी दिखाता हूँ, दोनों को मैं ट्रेन में ही हूँ और कैमरा डाल दिया हूँ, मेरे को जूम ऑन और जूम इन का जो है दोनों का ऑप्शन थोड़ा अलग दिख रहा है, बाकी सब वीडियो की क्वालिटी आप देख सकते हैं इसमें किस तरह की आपको दिख रही है, कमेंट करके आपको बताना जरूरी है नीचे वीडियो के कि आपको वीडियो की क्वालिटी कौन से फ़ोन की अच्छी लगी और कैमरा सैंपल कौन से फ़ोन का अच्छा लगा, फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पहली बार जेटेक बॉस पे इसको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए इस तरह की आने वाली अगली वीडियो के लिए। तो चलिए मैं आपको ले छोड़ देता हूँ इसी वीडियो के साथ, आप वीडियो की क्वालिटी देख के नीचे कमेंट कर दीजिएगा।